हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं, क्योंकि गाइस आप लोगों के दिल और दिमाग में मेरे को पता है क्या चलता है, क्योंकि मैं भी एक बंदा हूँ जो कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने गया था। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को हमेशा नया वीडियो मिलता रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। सबसे पहले बात गाइस कि आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं। सबसे नंबर वन गाइस, हम बात करेंगे कि आपका बाल अभी कितना झड़ा है। देखो गाइस, आप लोगों का बाल था, रिसेंटली था, मान के चलो 2-3 या 4-5 मंथ पहले तक, ये मतलब जो बाल है ये देख रहे हैं ना, ये बाल आप लोगों का था, लेकिन वो झड़ गया है। तो गाइस आप क्या कीजिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मत जाइए। पहले आप क्या करो, वापस पीआरपी वगैरह करा कर देखो, अगर वो बाल निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो आपको गाइस हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अब मेरा हेयर की बात है गाइस, तो देखो मेरा तो बाल पूरा झड़ गया था, गंजा हो गया था। तो ये है गाइस मेरा 113 दिन, आज 113 दिन हो रहा है और कल 114, उसके बाद 115 हो जाएगा। तो गाइस ये आज मेरे 113 दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा, आज मेरा हेड वॉश वाला वीडियो आया है, जस्ट इस वीडियो को कल अपलोड करूँगा। तो गाइस ये 113 दिन का रिजल्ट आप लोगों के सामने देख लो, ये बीच का तो ओरिजिनल है, सामने का बस थोड़ा सा हेयर ट्रांसप्लांट किया था। तो गाइस ये रहा अपना 113 दिन का रिजल्ट, आप लोगों के सामने देख सकते हो। तो ये जो भी रिजल्ट है आप लोगों के सामने देख सकते हो गाइस। मैं किसी को भी ये नहीं बोलता कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप जाओ या नहीं जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो आपको बता रहा हूँ, आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने का आप लोग मूड बना लिए, वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद गाइस क्या होगा, जो आपका ब्लड वगैरह है, हाँ सिंपल सी बात बोलो यार, आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मूड बनाओ या ना बनाओ, आपको बता रहा हूँ क्या होता है। देखो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप जाना चाहोगे तो सबसे पहले डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपका रिपोर्ट हमको चेक कराकर भेजो। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो बोलेंगे ये सभी चीज़ को आपको टेस्ट कराकर मेरे को रिपोर्ट सेंड करो, डॉक्टर बोलेंगे। फिर आप जाओगे किसी क्लिनिक पर जहाँ पर आपका ब्लड वगैरह टेस्ट वगैरह करते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका पूरा रिपोर्ट निकाल कर दे देते हैं कि ये है, तो आपको ये इतना मात्रा में, ये इतना मात्रा में आपको बता देंगे। तो उसी रिपोर्ट का गाइस क्या करना है, आपको व्हाट्सअप पर क्लिक करना है, अपना खींचना है एंड उस डॉक्टर को सेंड करना है जहां पर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे हो, बस सीधी सी फंड है। तो वहां पर आप लोग क्लिक करना, डॉक्टर को भेजना, डॉक्टर आपको पहले रिपोर्ट चेक करेंगे कि हाँ ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नॉर्मल है या नहीं करके। तो आपको लगेगा, आपको नहीं, डॉक्टर को लगेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नॉर्मल है, तो वो बोलेंगे कि आपका सर आपका ये सब चीज़ तो ठीक है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट आप लोग करा सकते हो, तो आपका ये नॉर्मल है। उसके बाद फिर डॉक्टर को, और डॉक्टर आपको बोलेंगे कि सर आप ये पेमेंट वगैरह आप एडवांस में थोड़ा जमा कर दीजिए, आपको टाइम वगैरह बुक करना है तो आप उसको एडवांस पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैं किया था। पहले तो ब्लड वगैरह सब चेक कराया था, उसके बाद फिर सर को एडवांस दिया था, 3,000 है या फिर कितना था पता नहीं, 3,000 था, तो एडवांस बुकिंग करा दिया था और फिर गया हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए उस डेट पर जिस डेट को मेरे को दिया गया था कि इस डेट को आना करके, तो फिर उसी डेट को मैं गया था। तो वहाँ पास गया, फिर सिंपल सी गाइस वहाँ पर गया, उसके बाद फिर एक टेस्ट और किया गया था, क्या एलोपीसी क्या चीज़ें नहीं पता, यहाँ पास लगाएं, अगर रेडनेस हुआ या फिर खुजली वगैरह हुआ तो भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट हम नहीं करेंगे, बोले डॉक्टर। तो फिर वहाँ पास लगाएं, अगर वहाँ पास लगाने के बाद फिर गाइस क्या हुआ कि वहाँ पर भी खुजली नहीं हुआ, रेडनेस नहीं हुआ, मतलब मेरा हर एक चीज़ नॉर्मल ही था। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं, मेरे को एग्री कर दिया डॉक्टर, तब जाकर गाइस मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। ये नहीं कि आप गए कहीं खाना खाने जा रहे हो कि भाई मेरे को गुपचुप खिला दो, तो वहाँ पास पैसा दिए आप अपने गुपचुप खा लिया, ऐसा काम यहाँ पास नहीं होता। यदि आप लोग कराना भी चाहोगे गाइस हेयर ट्रांसप्लांट, तो आप लोगों को 15 दिन पहले आप लोगों को नंबर लगाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि ऑलरेडी जो क्लिनिक रहता है गाइस वो पहले से ही बुकिंग चलता रहता है कि ये नहीं आज आप बोलो तो कल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, आपको एक टाइम देगा और आपको एडवांस देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो अपने डॉक्टर से बात कर लेना, बोलो डॉक्टर और आपका पर्सनल मैटर रहेगा, तो उसको थोड़ा बहुत एडवांस दे देना। उसके बाद गाइस आपको बुलाएंगे कि इस तारीख को आप आना, उस दिन फिर जाओगे तो आपको एक बार और चेक करेंगे, उसके बाद गाइस आपका हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करते हैं। ऐसे तुरंत का तुरंत नहीं होता गाइस, जो भी आप लोग सोचते हो ना कि यार जा रहे हैं तो कैंसर वगैरह हो जाएगा या फिर कुछ डॉक्टर वगैरह रहते हैं तो किडनी वगैरह लेकर बेच दिए, मतलब निकाल कर बेच देंगे, ऐसा सोचते हैं। जैसे कि मेरी ही माँ सोच रही थी कि यार मेरा एकलौता बेटा है तो
समझते हो ना माँ लोगों का दिल कैसा रहता है। तो मेरा बेटा है वो कुछ सुनने वगैरह करके खेलने वगैरह ना ले कुछ और ना ले कुछ पार्ट ना निकाल ले, तो रो रही थी गाइस। मैं जब एयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए गया था तो 3-4 दिन तक खाना नहीं खाई थी। जब मैं उसको वीडियो कॉल करा कि माँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा करके उसको दिखाया, तब जाकर उसका दिल को थोड़ा आराम मिला कि हाँ मेरा बेटा भी इस हाल में है ऐसा करके। तो उससे पहले गाइस वो ना मतलब रो ही जा रही थी, 3 दिन से मतलब खाना बंद कर दी थी, खाना नहीं खिला रहे थे। अब सोचो ऐसा होता है माँ बेटी का रिश्ता। तो गाइस ऐसा कुछ था। तो गाइस आप लोगों को डरना नहीं है, प्रॉपर आप लोगों को जांच करेंगे, जांच करने के बाद आप लोगों का फिर हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। ये नहीं कि अभी जाओ अभी ट्रांसप्लांट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रिपोर्ट वगैरह सेंड करना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तभी जाना। ऐसा गाइस ज़बरदस्ती कराने वाला काम भी मत करना कि डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो आप लोग ये मत करना कि नहीं सर जो होगा होगा देखा जाएगा, आप मेरा ट्रांसप्लांट कर दो, ये काम मत करना। ऐसा करोगे तो आपका जान जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। डॉक्टर को क्या जाना यार, वो तो बोल देंगे कि सर मैं इससे एग्रीमेंट लिया था, ये है, और इसको बोला भी था कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट मत कराओ करके, उसके बाद भी ये हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो ये मरा, तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलेगा। इसलिए बोलता हूँ कि डॉक्टर जो बोले वही करना है, आपको कराने के लिए बोलेंगे तभी कराना वरना मत कराना। और एक बात और बता दूँ गाइस, जैसे आप लोगों का ये मेरा हेयर है, अब मेरा हेयर पूरा तरह से गाइस ये गायब हो गया है और लमसम 6,000-6,500 ग्राफ्ट लगना है और आपका डोनर एरिया भी ठीक नहीं है, तो आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट मत कराना। जैसे हो वैसे ही रहो, अपना पेच वगैरह लगा लो, उससे ही अपना गुजारा करो, यही आप लोगों के लिए बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। यदि आप लोग गाइस थोड़ा बहुत डोनर एरिया पीछे बचा है, आपका पूरा ये पूरा एरिया गायब हो गया है, तो आप लोग क्या करना, अपना सिर्फ लुकिंग को मतलब अपना फेस लुकिंग को देने के लिए गाइस 3,000 ग्राफ्ट लगवा लेना सामने की तरफ ऐसा कुछ, ताकि आपका जो वो रहेगा ना हेयर थोड़ा बेटर लगे कि यार थोड़ा बहुत बाल तो है चलो अच्छा लगता है ऐसा रहता है, तो आप वैसा करा सकते हो। ये नहीं आप लोग ये सोचोगे गाइस आपका पूरा बाल झड़ गया, आप ये सोचोगे कि मेरा जो पहले बचपन वाला बाल था वैसे आ जाएगा बाल, ऐसा सोचोगे तो गाइस ऐसा बाल नहीं आएगा, बचपन वाला बाल आएगा ही नहीं। यदि आप लोगों का थोड़ा बहुत तो अगर बाल झड़ा होगा तो हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि मेरा बाल आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डेंसिटी में है, मतलब मेरा बाल है, हालांकि टेम्पल वगैरह नहीं है बट धीरे धीरे ये भी टेम्पल आ जाएगा। नहीं आएगा तो अभी बात कर रहा हूँ गाइस, अभी देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं, टेम्पल निकलवाऊंगा और फिर चलते हैं क्लिनिक के तरफ, सेकंड मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रहेगा। और आप लोग गाइस हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डरते हो कि गाइस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट कुछ नहीं होगा, मैं तो टेंशन नहीं लेता क्योंकि जो डॉक्टर बोलेगा वही करने वाला हूँ। ऐसा नहीं यार अपने मन मुताबिक जो पाओ वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता, तो डॉक्टर मेरे को जो गाइड करेंगे वही करूँगा। तो देखते हैं, बात करते हैं, सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा क्या करके, हो जाएगा तो फिर यहाँ टेम्पल निकलवाना है मेरे को, फिर अपना लुक और भी बेटर लगने लगेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस जितना हो सके कमेंट क्या करो यार, क्योंकि कमेंट कर दे तो मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन घूमता है, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।